Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today, October 30, 2020, we have an article of Dawn News, which is very important. Today, we will read it and we will analyze it and we will define it in Urdu language, which is very important for any competitive exam point of view. So, let's start. Beacon of light means signal or warning of light. So this is very important article. These are indeed dark times. ये हकीकत में dark times है. The world remains in the grip of a deadly pandemic that shows a ये बोला जा रहा है जो पूरी दुनिया में रहती है एक COVID-19 जो deadly pandemic है उसमें उसके control में है grip में control में है. That shows a few signs of abating. उसका कुछ signs ये show रहा है कि abate हो रहा है. Something में इसके signs अभी भी abate means something that is showing in abate conditions. Moreover, मज़ीद ज़्यादा economic political and ethnic religious crisis ये बोला जा रहा है. economic political और ethnic crisis भी इसने पैदा किया है. continue to rage इसने जारी किया है. rage as human kind looks for a way. human kind ढूंढ रहा है एक रास्ता for a better tomorrow. एक बेहतर रास्ता ढूंढ रहा है कि इस जो tomorrow के लिए. as the world in general continues बुराई ये दुनिया है कोशिश कर रही है कि वो कंटिन्यू बुराई करें. इन दिस टॉक्सिक मिक्स ऑफ मोस्टली मैन मेड कैलेमिटीज ये बोला जाए जो इंसान की बनाई हुई कैलेमिटीज में ये वो कोशिश कर रहे हैं बुराई करें. वी इन पाकिस्तान फेस आवर ओन पर्टिकुलर क्राइसिस. हम पाकिस्तान में हमारा जो क्राइसिस पर्टिकुलर फेस कर रहे हैं लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि पूरी दुनिया ये फेस कर रही है. वी आर नॉट इम्यून हम इम्यून नहीं हैं स्ट्रांग नहीं है टू द इफेक्ट ऑफ COVID-19. हम इम्यून हमारा जो इम्यून सिस्टम वो COVID-19 के इफेक्ट नहीं है. आर द अटेंडेंट इकोनॉमिक ट्रिबुलेंस ये बोला जाए जो है अटेंडेंट इकोनॉमिक ट्रिबुलेंस है. ट्रिबुलेंस मीन्स वेरी बैड सिचुएशन. उसको जो इकोनॉमिक्स जो है इम्पेक्ट है वो एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट है. ट्रिबुलेंस मीन्स वेरी बैड. बट रिसेंट स्पेट ऑफ इवेंट्स ये बोला जाए जो अभी जो रिसेंट करंट स्पेट जो चल रहे हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी द मोटर ट्रेजेडी रैम्पेंट ये बोला जाए जो मोटर वे ट्रेजेडी हुई थी एक रैम्पेंट केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज वो एक चाइल्ड अब्यूज का केस था. रैम्पेंट मिस वेरी बैड सिचुएशन इस मतलब एक वायलेशन का सिचुएशन जहाँ से सप्रेस करके वायलेशन किया जा रहा है. पॉइंट आउट कर रहा है आवर ओन कंसर्न जो फेलिंग एज सोसाइटी ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जो हमारे से ये क्या है फेलिंग है ये नाकाम हो गया है. इट वुड बी इजी है वो इजी है टू ड्रोन ऑन ये ड्रोन ऑन करें ऑन अबाउट ऑल दैट इज़ रॉन्ग ये पूरे जो सभी गलत हैं विथ अस हमसे गलत हैं जो पूरी तरह गलत हैं एंड द वर्ल्ड अराउंड अस जो पूरी दुनिया हमारे. बट एज द कुरान इंस्ट्रक्ट जैसे कि कुरान इंस्ट्रक्ट हिदायत देता है सो वेरी विद डिफिकल्टी एक डिफिकल्टी से देयर इज रिलीफ वो एक रिलीफ है. सूर्य एज शरा में ये रिलीफ लिखा है. एंड फॉलोइंग इन द कुरान स्पिरिट वो फॉलोइंग कुरान स्पिरिट जो है उसको भी फॉलो करना चाहिए उस पर भी अमल करना करें. एंड वी लुक टू द ग्रेटेस्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं हम नज़र डालते हैं जो ग्रेटेस्ट एग्जांपल है तो इंसान कामल द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन हिम ये बोला जा रहा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छा इंसान का वो मिसाल हम देखते हैं. हुज बर्थ इज़ बींग सेलिब्रेट टूडे जिसका बर्थडे आज मनाया जा रहा है टू फाइंड अ वे उसको एक रास्ता एक तरीका ढूंढने के लिए आउट ऑफ दिस डार्कनेस. ये एक टाइम चल रहा है इसे डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए. फॉर इट्स द अलमाइटी ये एक अलमाइटी खुदा ताला है दैट हैज़ डब्ड द नोबेल प्रॉफिट उसने नोबेल प्रॉफिट उसको अभी डब्ड किया है. बेकन ऑफ लाइट ये क्या है वो बेकन सिग्नल ऑफ लाइट है और शाइनिंग लैम्प भी है. सरजम मुनिरा इन सुरा अजब दैट डिस्पेस द क्लाउड ऑफ डार्कनेस वो डिस्पेस जो सरजम मुनिरा है वो क्या डिस्पेस करता है. डिस्पेस मीन्स समथिंग दैट शोज इन वो डिस्पेस करा द क्लाउड डार्कनेस जो क्लाउड्स करके जो डार्कनेस वो भी डिस्पेस करा. एंड डिस्पेयर वो शो डिस्पेयर कर रहा है थ्रू द नूर अल मोहम्मदी के जरिए. टुडे देयर विल बी सेलिब्रेशन आज जो सेलिब्रेशन होगी थ्रू आउट द कंट्री पूरी कंट्री में एंड इंडीड थ्रू आउट द वर्ल्ड
कंट्री जो हकीकत में पूरी दुनिया में भी होगी, बट टू डिलीवर्स बट डू बिलीवर्स जो बिलीव यकीन रखने वाले हैं एक्चुअली स्टॉप टू थिंक, उसको सोचना बंद कर दें अबाउट हाउ मच द एक्सलेंट एग्जाम्पल, सोचना बंद कर दें क्योंकि कैसा एक अजीम एक मिसाल है, दैट इज़ द नोबेल प्रॉफिट करेक्टर, ये एक जो पैगंबर का एक अजीम करेक्टर है, एक उसका रोल है। वी फॉलो इन आवर लाइव्स, हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। सम रिलीजियस प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग मेनी आउटवर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द सुना, जो कुछ जो रिलीजियस हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इंसिस्ट करते हैं अडॉप्टिंग सम कुछ आउटवर्ड जो एस्पेक्ट्स हैं उसको, जैसे ये बोला जा रहा है ग्रोइंग बियर्ड, ग्रोइंग जैसे कि जो दाढ़ी है उसको बियर्ड बढ़ाना, एंड वेयरिंग सर्टेन काइंड ऑफ अटायर, कुछ किस्म के अटायर को पहनना, एंड यूज़ मिसवाक करना, बट etc. बट हैव वी थॉट अबाउट द डीपर बेहतनी एस्पेक्ट ऑफ द सुना दैट कैन बी अडॉप्टेड, ये बोला जा रहा है कि हमने ये भी सोचा तो बेहतनी एस्पेक्ट वो क्या है दैट कैन बी अडॉप्टेड, वो अडॉप्ट किया जा सकता है सच एज कंपनसेशन के जरिए, एंड कंटेम्पलेशन कंटेम्पलेशन एंड फॉरगिवनेस मींस समथिंग टू डू एट, ऐसा बंदा जो कोई गलती करे उसको माफ़ कर देना, दैट हैव द पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स आवर सोसाइटी, अपने आप को सोसाइटी में तब्दील करे। द एग्जाम्पल ऑफ हॉली प्रॉफिट इज बिफोर अस टू फाइंड अ वे आउट ऑफ डार्कनेस, ये बोला जा रहा है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिसाल है वो अच्छा एक मिसाल है, जो डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा मिसाल है। टेक फॉर एग्जाम्पल द होली प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बोला जा रहा है मिसाल तौर पर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो बर्ताव था स्टेटमेंट बर्ताव बिहेव था जो औरतें और बच्चों के साथ, कैन वी हु क्लेम टू लव एंड फॉलो हिम, कि क्या हम उसको दावा करते हैं और फॉलो करते हैं। अनेस्ट ईमानदार से स्टेक समथिंग दैट स्टेक सच क्लेम ऐसे इसी किस्म के दावा, वी लुक एट द स्टेट ऑफ वोमिन, हम स्टेट ऑफ वोमिन पे देखते हैं एंड चिल्ड्रन ऑफ सोसाइटी, क्या ये बोला रहे हैं कब हम देखते हैं स्टेट ऑफ वोमिन चिल्ड्रन पे, अमंग द मोहतरमिन द हाली प्रॉफिट्स वाइफ, जो मोहतरमिन जो हाली प्रॉफिट की वाइफ थी बीबी खदीजा होल्ड्स ए प्रोमिनेंट प्लेस, बीबी खदीजा ने एक प्रोमिनेंट प्लेस को भी मनत होल्ड किया, ए नोबेल लेडी ऑफ ग्रेट हेल्थ सॉरी वेल्थ, ये एक नोबेल लेडी एक अजीम लेडी जो जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ भी थी, शी स्टूड बाय द मैसेंजर इन द मोस्ट टेस्टिंग ऑफ टाइम ड्यू टू हर ग्रेट बिलीफ इन हर हस्बैंड एंड हिज मैसेज, ये बोला जा रहा है जो ये अच्छी एक साबित हुई कि मैं जो मैसेज टेस्ट करने के लिए और बिलीफ को जो इसके जो हस्बैंड है उस पर बिलीफ रखना और अच्छा मैसेज का था। इंडीड हकीकत में द मैरिज बिटवीन द बीबी खदीजा एंड द मैसेंजर वाज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डोमेस्टिक रिलेशन शुड बी कंडक्टेड, ये बोला जाए बीबी खदीजा है उसका मैरिज का रिलेशन था वो एक डोमेस्टिक के लिए कितना अच्छा एक एग्जाम्पल है मिसाल है। इन द बुक्स ऑफ सीरिया के बुक्स में वी फाइंड नथिंग, हम सीरिया में हम कुछ नहीं ढूंढ पाते बट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन कमिंग फ्राम द प्रॉफिट फॉर दिस नोबेल लेडी, जो रिस्पेक्ट है जो इज्जत है वो अफेक्शन है वो आती है इससे जो हम बात करें इसी नोबेल लेडी से। ए टेस्टामेंट टू बी इक्वल टू हेयर लॉफ्टी करेक्टर, ये बोला जाए जो इसके लॉफ्टी करेक्टर हैं जो अच्छे करेक्टर हैं इसे का एक पूरा ये सिमिलर बेस्ट मिसाल है। इनफैक्ट हकीकत में वैन शी लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड, ये जबकि इसने मॉर्टल वर्ल्ड को ये फोन पानी दुना को छोड़ दिया, द ईयर बिकेम नोन एज आम अल हजन, उसी ईयर को अल हजन या कहा जाता है, द ईयर ऑफ सारो उसी साल को सारू का ईयर गम का ईयर कहा जाता है। फॉर इन द स्पेस ऑफ दिस वन ईयर द होली प्रॉफिट हैड लॉस्ट टू ऑफ हिज मोस्ट सैडेस्ट सपोर्ट इन मक्का, ये भी बोला जा रहा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दो थे वो स्टेड फास्ट साबित कदम उसको भी इसने लॉस्ट किया उसको भी गंवाया, बीबी खदीजा एंड हिज अंकल हज़रत अबू तालिब।
इफ़ दोज़ हु बिलीव इन द प्रॉफिट, अगर ये बोला जाए, अगर वो लोग बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं प्रॉफिट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस कंट्री, इसी के मुल्क में, एंड बियॉन्ड ट्राई टू रिप्लीकेट द रिस्पेक्ट, वो रिप्लीकेट करें, रिस्पेक्ट करें, एंड अफेक्शन द मैसेंजर, मैसेंजर से प्यार करें, उसका जो मैसेज है उससे लव करें, एंड शो टू स्पोज को भी शो करें, स्पोज मीन्स हस्बैंड वाइफ को भी शो करें, जैसे कि बेबी खदीजा और उसका जो रोल था, एक रोल मॉडल था, एक करेक्टर अच्छा था, द लाइफ ऑफ मुस्लिम वुमेन कुड इम्प्रूव, जो मुस्लिम वुमेंस ने उसकी लाइफ को भी इम्प्रूव, बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इंस्टेड उसके बाद वी किलिंग टू आउटडेटेड नोशन ऑफ ऑनर, ये बोला जा रहा है हम किलेंगे, हम स्ट्रिक हो जाते हैं जो हमारे आउटडेटेड नोशन है, नोशन मीन्स ख्यालात, ऑनर ट्राइबल कस्टम्स टू डिक्टेट आवर डोमेस्टिक अफेयर, जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, ट्राइबल कस्टम जो डिक्टेट करते हैं हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स को। कमिंग टू आई है हाउ द मैसेजर ट्रीटेड चिल्ड्रन एंड अफेक्शन है ही शोड अपन हिज डॉटर बीबी फातिमा ज़हरा एज एग्जाम्पल, ये बोला जा रहा है हम अगर उसको मिसाल को लेते हैं तो ट्रीट करते हैं कि वो अफेक्शन जिसने शो किया कि अफेक्शन शो किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी डॉटर जो बीबी फातिमा थी, वो एक बहुत सही मिसाल थी, एग्जाम्पल मीन्स मिसाल मिसाली। वाई द पैगाम्स ऑफ मक्का का जो पैगाम टांट कर रहा है, द मैसेज फॉर बींग इशूज लेस, वो मैसेज क्या इशूज लेस था एज नन ऑफ हिज मेल सर्वाइव इन टू अल्टरटूड, उसमें कोई भी मेल सर्वाइव न कर पाया। द अलमाइटी सॉ थिंग्स डिफरेंट, खुदा ताला ने डिफरेंट चीज़ें देखी, रेफरिंग टू बीबी फातिमा, बीबी फातिमा को अगर रेफर करते हैं। इन सच कोथर द कुरान सेज, उसी कोथर में कुरान कहता है वी हैव गिविन दे अबंडस, हमने अबंडस उसको दिया है, उसको उस पर अबंडस किया। वाइल इन द सेम सूरह, उसी सेम सूरह में डिक्लारिंग दैट प्रॉफिट्स एनिमीज आर विदाउट पोस्टरिटी, ये बोला जाए जो प्रॉफिट्स के एनिमीज हैं वो क्या है, विदाउट पोस्टरिटी हैं। एज रिकॉर्ड इन हदीस में रिकॉर्ड ये क्या, नोबेल मैसेज शोड में, नोबेल मैसेज शो कर रहा है ग्रेट अफेक्शन बिटवीन अफान बीबी फातिमा स्टैंडिंग अप, जो उसका ये ग्रेट अफेक्शन शो कर रहा है, जो फातिमा है वो स्टैंड अप हुई, वो उसके साथ खड़ी हुई, टू ग्रीट हर, ग्रीट करना मीन्स टू सल्यूट हर, वेन शी इंटर द रूम, जबकि ये रूम में दाखिल हुई, डिक्लारिंग दैट फातिमा इज़ अ पार्ट ऑफ मी, इसने डिक्लार किया कि फातिमा मेरा हिस्सा है, ही हु मेक्स हर एंग्री, ये वो था कि उसको एंग्री करार कर रहा है, एंड मेक्स मी एंग्री, बुखारी से मेक्स मी एंग्री एंग्री अगेन, वी हु फॉलो द प्रॉफिट, हम वो हैं को प्रॉफिट को मानते हैं, नीड टू आस्क, हमें चाहिए कि पूछें ourselves हाउ वी ट्रीट आवर गर्ल चिल्ड्रन, हम कैसे जो लड़कियां हैं और बच्चे हैं उसके साथ ट्रीट करें, उसके साथ बर्ताव करें। अनफॉर्चुनेट लाइक इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, ये बोला जा रहा है कि जो इग्नोरेंस के डेज में द प्रेफरेंस फॉर मेल ऑफस्प्रिंग मेक्स मैनी इन दिस सोसाइटी निगलेक्ट गर्ल चिल्ड्रेन, ये बोला जा रहा है जो मेरे सोसाइटी में ऑफस्प्रिंग हैं, कि जो भी औलाद हैं वो क्या करते हैं कि निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं जो लड़कियां बची हैं। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, जब कि आता है कि हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन पे अगर हम ये आता है, तो इफ़ वी रियली वांटेड टू शो आवर लव फॉर द प्रॉफिट, अगर हमें हकीकत में चाहते थे कि हमारा हमें शो करें लव जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शो किया, देयर वुड बी नेक्स्ट टू नो स्ट्रीट चिल्ड्रेन रोमिंग आवर सिटीज एंड टाउन्स, ये बोला जा रहा है क्योंकि जो आने वाले वक्त में कोई ऐसी घिटी नहीं, क्योंकि ऐसी जगह नहीं जहाँ से बच्चे वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे फिर सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, रूम में फिर ना घूमना। सस्केप्टेबल में गिविंग डाउट टू अब्यूज, जैसे कि सस्केप्टेबल द स्टेट और स्टेट और द कोर साइंटिस्ट सिटीजन, जो स्टेट और कोर साइंटिस्ट सिटीजन हैं वुड हैव, उसे चाहिए इंश्योर करना चाहिए, यकीन दिलाना चाहिए दैट दीज मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वुड हैव सेफ, ये सेफ होना चाहिए स्पेस वेयर देयर चिल्ड्रन चाइल्डहुड कुड बी प्रोटेक्टेड, उसके जो बच्चे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे भी प्रोटेक्ट करें ज़रूर। सर्टेनली देयर इज़ मच डिस्टेंस टू कवर, ये के भी बोला जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग व्हाट वी प्रीच, अगर हम प्रैक्टिस पे आते हैं तो क्या हम प्रीच करते हैं, क्या हम प्रैक्टिस करते हैं, तबलीग करते हैं।
while celebrating our celebration while celebration our greatest celebration manana to ek azim baat hai ek great baat hai and indeed haqeeqat mein an expression of our inner joy ye hamara inner joy ka expression hai let us also try and emulate the holy prophet in ke hame koshish karne de emulate karne de peygamber sallallahu alaihi wasallam how he treat those who अराउंड हमें इसने कैसा ट्रीट किया जो कि इसके चौधारी थे बाय अडाप्टिंग द एथिकल को मॉडल जो जिसने अडाप्ट किया एथिकल मॉडल ही हैज़ लेफ्ट इन द शेप ऑफ इस लॉफ्टी पर्सनलिटी इसने एक लॉफ्टी शेप छोड़ दी है पर्सनलिटी सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडिट पेज आई होप दिस एडिट पेज विल बी मोर हेल्पफुल इफ दिस एडिट पेज विल बी मोर हेल्पफुल प्लीज डू सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर